मन का साथ। अगर शरीर साथ ना दे तो खिलाड़ी से बस के खिलाड़ी जब बड़ा होता है, जब चैलेंजेस को उसने सपोर्ट कर, जब उसको वो अखबारों में टीवी पे उसको जब उसका कवरेज देते हैं तो उससे उनका हौसला पैदा होता है, खिलाड़ी बन जाता है और जब वो इसलिए वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी बन जाता है। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना हो तो वो खिलाड़ी जो है वो सिफर ही रहेगा, कितना भी बड़ा बन जाए जब तक उसको सपोर्ट नहीं होगी, खासतौर पर जर्नलिस्टों की। और लेकिन जर्नलिस्टों से मेरी एक गुजारिश है, लेकिन नाराज मत होइए, किसी के कहने पर रिपोर्टिंग नहीं किया था, किसी ने रिपोर्ट बना के भेज दिया आपने अखबार में छाप दिया। बस हम मैंने क्योंकि वो दौर देखा जो हमारे ज़माने में जो होते थे, कबीर भाई, हलीम भाई, शम्स भाई, माजिद भाई, ये है ये वो तुम्हारी तरह तो इस तरह के ये जो थे ना, ये वो लोग थे जो बैठ के पूरा मैच देखते थे और फिर उसके बाद जो है वो पूरी कहानी लिखते थे, एक एक मूवमेंट लिखते थे कि 27वें मिनट में गोल किया तो फला ने किया, फला ने पास किया। आपको तो ये पता ही नहीं होता कि किसने पास किया और किसने गोल किया, पता चला किसी जर्नलिस्ट के ताल्लुकात हैं, हनीफ साहब ने पैर से गोल किया, उसने लिख दिया कि हनीफ खान ने बहुत अच्छा गोल किया। तो इसलिए लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैच पूरा देखा करें, किसी के कहने पर किसी के उस पर आप लोग रिपोर्टिंग ना किया करें, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है प्लेयर। वो अच्छा प्लेयर जब भी बनेगा जब आप उसकी रिपोर्टिंग अच्छी करेंगे तो वो अच्छा प्लेयर भी बनेगा और फिर वो पाकिस्तान के काम भी आएगा। लेकिन मैं फिर बार बार कहूँगा कि जर्नलिस्ट का खिलाड़ी से तो योली दामन का साथ है, इसलिए सही रिपोर्टिंग करें, अच्छी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जब तक मालूम ना हो सवाल भी मत किया। जैसे मैं उस दिन सुन रहा था कि पीएचएफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं ही बैठा था उसके पास, तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, पता नहीं यहाँ है नहीं है वो, तो उन्होंने कहा कि जी सदर साहब आपका तो काम है कि आप फंड जनरेट करते, सेक्रेटरी के लिए उन्होंने